सलाहुद्दीन अयूबी अपने खैमे में बैठे हैं तो एक बीबी आ गई। उस कबीले का कोई शख्स मुसलमान नहीं होता। बीबी आई, आके कहने लगी मेरे चार बेटे जंग में खो गए, छोटे छोटे बच्चे जंग में खो गया, मिल नहीं रहे, फौजियों को हुक्म दे मुझे मेरे बच्चे तलाश करके दें। सलाहुद्दीन अयूबी ने झटपट सर पे इमामा बांधा, नेजा पकड़ा, सीने बंद बांधा, अपने जुब्बे को समेटा और बाहर कहने लगी तू किधर जा रहा है? कहने लगा मैं खुद तेरे बच्चे तलाश करके जाऊंगा। सलाहुद्दीन चंद सिपाही साथ है, गली गली निकले, गली गली फजर के निकले, असर हो गई, थक गए, दो नमाजें सहरा में पड़ी। जंगल के अंदर पहुंचे तो एक कोने में चार बच्चे एक जगह डरे और सहमे हुए बैठे मिले। सलाहुद्दीन अयूबी उठा के लाए, माँ को कहने लगे तेरे बच्चे हैं, निकला इसलिए था कि मेरे नबी ने फरमाया बच्चे जुदा हो तो माँ को दर्द बड़ा होता है और मेरे रसूल ने फरमाया था जब जंग करने जाओ तो खेत बर्बाद न करना, फसलें तबाह न करना, बच्चों को माँ से जुदा न करना। फरमाया मैं सोच रहा था तेरे बच्चे कहीं मेरी वजह से जुदा हो गए तो मुस्तफा को जवाब क्या देना। फरमाया तेरे बच्चे ढूंढ के लाया हूँ, बच्चे माँ के पास आने लगे तो माँ ने बड़े बेटे के मुंह पे थप्पड़ मारा। कहता अम्मा क्या हुआ? कहने लगे तूने सुना नहीं के दुश्मन से बच्चों की इतनी हिफाजत करता है, मेरे पास ना जा, उसके कदमों में बैठ जा, जिस नबी के गुलाम इतने सच्चे हैं वो नबी कितना सच्चा होगा।